क्यों ना बच्चों के लिए कुछ अच्छा बनाया जाए। बच्चों के स्कूल शुरू हो चुके हैं, इसलिए आज हम बच्चों की फेवरेट इटालियन चीज़ सैंडविच बनाएंगे, जो बच्चों को बहुत ही पसंद आती है। और घर की बेसिक चीज़ों के साथ ही बाजार जैसे इटालियन चीज़ सैंडविच घर पे ही बना के तैयार करेंगे। तो चलिए बनाते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माई चैनल मिसेज वरुण किचन। इटालियन चीज़ सैंडविच बनाने के लिए सबसे पहले हम इसकी फिलिंग तैयार करेंगे। उसके लिए हमने पैन लिया है और पैन में हमने 1 टेबलस्पून के अकॉर्डिंग बटर ऐड कर दिया। बटर अच्छे से मेल्ट हो चुका है और साथ में हम इसमें 1 टेबलस्पून इसमें मैदा ऐड कर देंगे। मैदे को हमने लो फ्लेम पर अच्छे से भून लेना है, इसको जलाना नहीं है, बहुत ही हल्का सा भूनना है। बस इसमें सूंधी सूंधी खुशबू आने लग जाए बस उतना ही इसको भून लेना है। तो देखिए ये अच्छे से भुन चुका है, बस इतना ही हमें भूनना है, इसका कलर चेंज ही नहीं करना, बस इसका कच्चापन निकल जाना चाहिए। तो देखिए ये अच्छे से भुन चुका है और इसमें अच्छी सौंधी सी खुशबू आने लगी है। और अब हम साथ में ही बारीक चॉप किया हुआ अनियन ऐड कर देंगे, इसको भी हल्का सा अच्छे से भून लेंगे। प्याज को हमें बहुत हल्का सा ही भूनना है, इसको जलाना नहीं है, बिल्कुल हल्का सा ही भूनना है, जितना इसमें हल्की सी सॉफ्टनेस आ जाए बस उतना ही भूनना है। देखिए प्याज अच्छे से भून चुकी है और अब हम इसमें एक कैप्सिकम ऐड कर देंगे, ये भी हमने फाइन चॉप कर लिया बिल्कुल बारीक, और इसको भी हल्का सा हम भून लेंगे। बस 1-2 सेकंड के लिए ही भूनना है, क्योंकि हमें एकदम से कुक नहीं करना, क्योंकि वैसे सैंडविच बनेगा उसी में ही सारी वेजिटेबल्स अच्छे से कुक हो जाएंगी। और हमने एक टमाटो लिया है बिल्कुल बारीक चॉप किया, वो भी हमने इसमें ऐड कर दिया है और इन सभी चीज़ों को एक साथ बहुत अच्छे से कुक करेंगे। और साथ में हम इसमें कॉर्न ऐड कर देंगे, कॉर्न्स को हमने पहले से ही इसको स्टीम बॉईल करके रख लिया था, तो वो भी हमने इसमें ऐड कर दिए हैं। और अब हम इसमें नमक ऐड कर देंगे अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, और साथ में रेड चिली फ्लेक्स, ऑरिगेनो और ब्लैक पेपर पाउडर। अगर आप थोड़ा और स्पाइसी खाना पसंद करते हैं तो इस पर रेड चिली पाउडर भी ऐड कर देंगे, जैसे मैंने इसमें ऐड कर दिया रेड चिली पाउडर, क्योंकि मेरे यहाँ बहुत स्पाइसी खाते हैं इसलिए मैंने इसमें रेड चिली पाउडर भी ऐड कर दिया है। और इसको बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे। तो देखिए इस तरीके से हमें अच्छे से इसको सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। और अब हम इसमें मिल्क ऐड करेंगे, तो देखिए हमने 1/2 कप के अकॉर्डिंग इसमें मिल्क ऐड कर देंगे। जैसे इसमें ये कुक होने लग जाएगा और इसमें मैदा डाला है इसलिए इसमें थिकनेस आने लग जाएगी थोड़ी ही देर में। और हम साथ में अमूल चीज़ क्यूब्स भी ऐड कर देंगे, हमने 1/2 अमूल चीज़ क्यूब्स ऐड किया है, आप चाहो तो पूरा भी ऐड कर सकते हैं। और साथ में मोजरेला चीज़ भी ऐड कर दिया है, चीज़ आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। और देखिए इसको बहुत अच्छे से कुक हो गई है, देखिए जैसे इसमें सारी चीज़ें कंबाइन होने लग जाए ना, वैसे ही हमें गैस के फ्लेम को हमें ऑफ़ कर देना, क्योंकि फिलिंग बन के तैयार हो चुकी है इसकी। तो अब हम इसको ठंडा करने के लिए रख देंगे। अब हमने साइड में तवे को पहले से ही गर्म करने के लिए रख दिया है। अब हमने ब्रेड स्लाइसेस ले लिए हैं और इसके ऊपर हम फिलिंग को फिल कर देंगे। तो फिलिंग आप इस तरीके से इस पे चारों ओर से मतलब इसमें पूरी अच्छे से फिल कर दीजिए, जैसे आपको अच्छी लगती हो कम ज़्यादा। देखिए इस तरीके से हमने फिल कर दिया और दूसरी ब्रेड स्लाइस भी इसके ऊपर लगा दी है। और इधर हमने तवा भी पहले ही गर्म करने के लिए रख दिया था, तो सैंडविच के ऊपर हम थोड़ा सा बटर लगा देंगे। बटर से क्या सैंडविच का फ्लेवर और भी ज़्यादा अच्छा आता है। तो देखिए बटर बहुत अच्छे से लगाना है, और आप चाहो तो इसको सैंडविच टोस्टर में भी ग्रिल कर सकते हैं या ग्रिलर में भी ग्रिल कर सकते हैं, जैसे आपके पास हो वैसे आप इसमें इस तरीके से आप इसको सेक सकते हैं। तो मैं आज इसे तवे पर ही बनाऊंगी, क्योंकि सभी के पास अधिकतर तवे ही होता है। तो इस पर हमने दोनों साइड से अच्छे से बटर लगा देना है। तो देखिए सैंडविच एक साइड से बहुत अच्छे से कुक हो चुकी है, अब हम इसको फ्लिप कर देंगे। तो हमें दोनों साइड से ही ऐसे ही गोल्डन ब्राउन होने तक अच्छे से कुक कर लेना है। तो सैंडविच बहुत अच्छे से कुक हो चुकी है, अब इसको हम प्लेट में सर्व करेंगे। अगर आपको इटालियन चीज़ सैंडविच की रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलना, और सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर देना, जिससे मेरी आने वाली सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो देखिए सैंडविच बहुत अच्छे से सीख चुकी है, अब हम इसको प्लेट में सर्व करेंगे। देखिए आप सैंडविच को अपने अकॉर्डिंग जैसे आपको पसंद हो उसी शेप में इसको कट कर लीजिए और प्लेट में रखिए, और सॉस के टमाटो सॉस या मेयोनी किसी के साथ भी आप इसको सर्व कीजिए। सैंडविच बहुत ही टेस्टी बनी है, आप इसको चाहो तो बच्चों के लंच में या मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में या इवनिंग में कभी भी आप इसे इंजॉय करें। ओके बाय, थैंक यू।